90s के दशक के फेमस लव बर्ड्स माधुरी दीक्षित और संजय दत्त, इन दोनों ने उस दौर में कई फिल्में साथ साथ की, जैसे साजन, थानेदार और खलनायक इनकी पॉपुलर फिल्मों में शामिल थी। हालांकि इन दोनों ने खलनायक के बाद साथ काम नहीं किया था, लेकिन अब सालों बाद इनकी जोड़ी करण जौहर के बैनर तले बनी फिल्म कलंक में दिखाई देने वाली है। आपको बता दें कि इनके एक साथ आने की खबर ने पहले तो सबको हैरान कर दिया था, लेकिन जब इस खबर पर फाइनल स्टैंप लग गई कि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित साथ दिखाई देंगे, तब इनके फैंस इनको साथ देखने के लिए काफी बेताब हो गए। सोर्सेज की माने तो संजय दत्त और माधुरी दीक्षित में सेट पर भी काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली थी और दोनों एक साथ स्क्रीन भी शेयर करते दिखाई देंगे। डायरेक्टर अभिषेक वर्मन ने फिल्म कलंक को संजय लीला भंसाली जैसी ग्रैंडनेस देने की कोशिश की है। अभिषेक ने माधुरी और संजय दत्त की लुक्स को बेहद शानदार तरीके से रेडी किया है और माधुरी और संजय के सीन्स बहुत अच्छे तरीके से फिल्माए गए हैं। वेल, जो लोग माधुरी और संजय को एक साथ देखने की तमन्ना कर रहे थे, ये उनके लिए गुड न्यूज है। पर ये बताना आप ना भूलिएगा कि आपको कलंक की बहार बेगम का ये अवतार कैसा लगा।